ओ भाई 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 क्या हो गया कि अपने रिश्ते जाओ ऊपर। हाँ। आप सामने देखो कितना प्यारा लग रहा है। राइड अपनी खत्म होगी और राइड की खत्म की वो देख रहे हो तुम कितना खतरनाक लग रहा भाई। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, सारे के सारे लाल वाला बटन दबा दो और जो जो यहाँ तक अभी तक वीडियो में पहुंचा है भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। जी आज की शुरुआत हो रही है भाई, मॉर्निंग हमारी धर्मशाला से हो रही है। ठीक है भाई के भाई की रेडी है, मेरी वहाँ खड़ी है, रेडी नहीं है, गंदी पड़ी है पूरी बहुत ज्यादा। एक अपनी ये खड़ी है भाई की बाइक, पूरी ज्यादा गंदी पड़ी है। एक ये खड़ी है अपनी पैट डैड, चले चलो भाई उत्ते पैंट बांध लिया। अब ये लोग एक बेस बैग बाइक में से एक रस्सी खोल के इस बाइक पे बांध रहे हैं, बन जाएगा ना अब इस पे। और सेट तो कैम हो, आ गई थी रात को नींद, ये क्या कर रहे हो कपिल भाई, ये क्या था, मैंने पूछा सेट तो कह रहे क्या चक्कर है। आजा खेड़ी बॉयज लेट्स गो। भाई साहब कितना सेट लग रहा है, ऊपर का सिस्टम देखो जरा। अभी पहले पेट्रोल डलवाने चल रहे हैं, फ्यूल अप करवाते हैं भाई इसको बाइक को, क्योंकि एकदम ख़त्म हो चुका है अभी तक का 1500-1800 रुपये का तेल लग गया इसमें। अभी दोबारा से इसे फ्यूल अप करके ठीक है उसके बाद निकलते हैं हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे अभी। ठीक है देखते हैं कहाँ तक जाएंगे, अभी बारिश जब तक नहीं आती तब तक तो जाएंगे, उसके बाद वापसी देखते हैं क्या सीन है। पहले तेल डलवाते हैं, सामने पंप हो रहा है अपने बंदे। महाराज क्या हाल है, ठीक हो, करवाते हैं फ्यूल अप पर निकलते हैं। लो जी तेल पे रहे, इसमें स्कैनर देना जी, अपना जान देना जी, पूरा जान देना। बीपी ऊपर आ गया, छलक गया तो भाई 1000 का ही इसमें फो पाया भाई तेल डलवाने के बाद। पत्ता बोल पत्ता बोल। तो अभी अपने को रेनकोट नहीं मिले यहाँ पे, तो हम क्या सोचा मैक्लोडगंज पहुँच जाते हैं भीगते भीगते, फिर वहाँ से देखते हैं रेनकोट वगैरह लेते हैं। और भाई मैक्लोडगंज की तुम सड़कें देखना, इतना ज़्यादा क्रेजी वहाँ का माहौल होता है ना, वहाँ का इतना ज़्यादा क्रेजी, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा व्लॉग के अंदर। और जो जो यहाँ तक अभी तक वीडियो में पहुँचा है भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। लो भाई पहुँचे हैं मैक्लोडगंज, चलो ना। कौन से रास्ते से जाना है, तेरा भागशु वाटरफॉल भैया, वाटरफॉल किधर है, वाटरफॉल 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 वाले रोड से सीधा घुमा लो ऊपर को घुमा लो। ठीक है चलो मोड़ लो यार। यहाँ से बाइक उतारनी है, उन्होंने तो बड़ी ओके उतारी है, लेकिन अपना तो ब्रेकिंग सिस्टम एकदम वो वाला है ना प्रो वाला। ओ भाई पूरी बाइक, ओए बाइक पूरी आगे पीछे तो उठी पड़ी है भाई, ये कहाँ लेके जा रहे हो बाइक भाई, पार्किंग सेफ। भाई वहाँ तो जा नहीं रहे हम वाटरफॉल पे, उधर हमने कहा यही ठीक है, यहीं पे छोटा सा वाटरफॉल नीचे बना हुआ है भाई, यहाँ पत्थर देख के फिसलेंगे यहाँ पे पत्थर। ये देखो भाई राइडिंग गियर के साथ ट्रैकिंग करते हुए है, हेलमेट पालो गिर भी गए अगर। मैगी बनाने वाला सिस्टम भी साथ में ही है अपने, क्यों भाई सेट है कह रहा, तुम सेट कराने नहीं हो मैंने कहा। उधर जाना है हमने, हैं फिसल रहे पत्थर, ओ भाई उसको भी बोल देना चिकना पत्थर है देख क्या है ना, इतना चिकना भी नहीं है। अरे तो ग्रिप तो तुम्हारी चीज में है ना, उनकी चीज के थोड़ी है। भाई ओए ये पत्थर फिसलता है देख के आना, चलो उसको तो आने दो वीडियो बनाएगा देख के। ओए आ जा यार, अरे इधर इधर चले जाए भाई, ये बंदा कह रहा पानी छूट गया ऊपर से भाई, निकलना पड़ेगा यहाँ से, कह रहा पानी ज्यादा हो रहा है ऊपर,
यार बंदे जा तो रहे हैं यार। वे अभी भाई वो तो बोल रहा बंदा कैफे वाला, कह रहा है कि भाई तुम मत जाओ उधर, पानी तेज हो जाएगा। पानी यार सेम ही तो वैसा ही तो है पानी। क्या हुआ अब कि अपने रिश्ते जाओ ऊपर। हाँ अगर पुलिस वाले आते हो हमें, आप उनको बोलेंगे कि हमें इनको बोलेंगे हमें ऊपर की जाने दिया, कह रहे दो दिन से मौसम खराब चल रहा है उसके करके। अरे कोई नहीं बोलता, चलो यार लेते भाई समझो, कोई फायदा नहीं यार वैन को अपने थोड़े यार, यार तुम डरते कितना हो यार। नहीं मेरे को तो कोई सीन नहीं, ऊपर चलते हैं। डरने के लिए थोड़े आए यार, इतना तो चलता है, डरना थोड़ी है। क्या रिस्क नहीं लेते यार बताओ साला, हमने ऊपर। अरे वो पुलिस वाले के चक्कर में कह रहा है, वो पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं यार, कोई नेचर है, हम कुछ वो थोड़ी, हम नदी में थोड़ी खड़े हैं, यहाँ से यहाँ खड़े हो तब बोल रहे हो, ऊपर चलते कोई नहीं बोलेगा कोई। सुनो और क्या, कोई नहीं टेंशन नहीं यार, ये तो बोलते ही है। तो अभी हमने यहाँ से मैगी वैगी बनाई है भाई, कैसी लग रही है मैगी? बेस्ट बहुत बहुत सीन ले। हाँ भाई बाहर आके खा ले, अंदर चुप के खाएगा मैगी। चल चल भाई, ग्लव्स सुखा रहे हैं अपने, ये देखो। हाँ देखो जी, कुर्ते पजामे पहन ले मुंडे ने। देख रहे हो जादू बने हुए, हो जाएंगे महंगे। अगर जनता तुम्हें सपोर्ट करेगी ना तो महंगे ही हो जाओगे भाई। फिर तो हम इनसे रेनकोट भी आ जाएंगे, नहीं तो यही चलेगी। भाई का कहने का मतलब है अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हम ये वाले पन्नी वाले रेनकोट नहीं, हम अच्छे वाले रेनकोट ले लेंगे। सही बात है कि नहीं भाई? बजट बढ़ा देंगे हम अपनी उसका ना राइड का। चलो आज चलते हैं भाई, बाहर मौसम भी देखो खुल गया थोड़ा सा। इंसा 360 भी लगा लिया, हम निकल रहे हैं बाहर, बारिश भी रुक गई है। वो रेडी है अपने दो बंदे, भाई एक भाई भी रेडी है, और तुम्हारा भाई भी निकल गया रेडी है। भाई सब चढ़ाई देख रहे हो, इनको जाने दो पहले, कहीं बीच में रोक दे वो भाई साहब। चेक कर डोलियां दा जोर नहीं, देखो ओले गिरने लगे, ये देखो भाई हाथ पे ओले गिरने लगे। भाई साहब आज भाई इसी मैंने को सोच लिया, मैंने कहा तो मैं रेनकोट भी नहीं लूंगा। 4 किलोमीटर है धर्मशाला तेरी। और मैं बाइक बंद करके चला रहा हूँ, अभी स्किट लगी थी पीछे। भाई यहाँ से 4 किलोमीटर धर्मशाला है, मैं कहा बंद करके जाने दो इसे, देखो कितना खतरनाक है यार हमारे, देख रहा मतलब सारा कुछ दिखता है यहाँ से होटल से ना। धूप भैया धूप पड़ रही है ना ऊपर भाई साहब, अब तो नहीं पड़ती बारिश ना, अब तो धूप निकल गई, अब नहीं पड़ेगी ना, ऊपर पड़ेगी है भाई साहब। चंडीगढ़ वाला कहता ये क्या गन मचा रखा है यहाँ पे, चेक करो भाई। भाई पीछे से ग्राइंडर आ रहा था भाई, ये पता नहीं कहाँ से आ रहे है, कौन सी है ये दी, कौन सी बाइक है भाई ये? भाई अली रोडों पे ना भाई ये फिसलने का बड़ा डर रहता है भाई बाइक। ओए ओए ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, देखो, देखो। एक ही दम से घुमा दिया उसने भाई, देख रहे हो मेरा क्रैश भी शायद यही हुआ था यार, मेरे को जहाँ तक आइडिया आ रहा है, जब मेरा क्रैश हुआ था एक बार हिमाचल राइड पे यहीं कहीं हुआ था, मुझे याद आ रहा है यार अभी थोड़ा थोड़ा। एकदम से ना रोड पक्की है, ठीक है बंदा चला रहा है रात को, चलाते चलाते एकदम से रोड कच्ची आ जाती है यार। अब यहाँ पे वैसे बारिश का इतना आसार नहीं है, मौसम मौसम पूरा खुला हुआ है ऊपर भाई, ऊपर तो बारिश पड़ी हुई है। अभी हमने उतार लिया 50-60 किलोमीटर बाइक नीचे,
ऊपर भाई बहुत मौसम ख़राब है, मौसम भाई हमेशा देख के आओ। वैसे हमने देखा था यार, लेकिन उस टाइम नहीं दिखा रहा था। चलो कोई नहीं, सेफ राइड। ओ भाई 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 भाई, भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ? ओ नो, ओ यार भाई रास्ता ही बड़ा खतरनाक है ना। एक बार पहले भी गिर गई थी, दोबारा गिर गई भाई, पूरा ऑफ रोड है कीचड़ वाला। यही तो मजा है, हो राइड का यार, यही तो मजा है कि बारिश भी है, धूप भी है भाई, हवा भी चल रही है, ठीक है, सारी चीजें भाई एक साथ हो रही है भाई। यही तो एक्सपीरियंस होता है कि हम हर चीज़ का एक्सपीरियंस भाई एक ही एक दो दिन में, तीन दिन चार दिन में ले लेते हैं भाई सारा। मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा है भाई यहाँ पे हिमाचल की राइड का। देखो धूप धूप कितनी मस्त पड़ रही है यार अभी, और अभी दस आधे घंटे पहले, दस पंद्रह मिनट पहले बारिश हो रही थी भाई, देख रहे हो। यही सब चलता है यहाँ पे। पाल जी पता नहीं क्या बंदा था ना, उसकी बाइक में दिक्कत हो गई है कोई, वो ठीक करा रहे हैं बाइक। क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हो गया बाइक में? अच्छा होगी सही, हमें लगा तुम पता नहीं कहाँ पहुंच गए होंगे अभी तक। हाय, मतलब एक बाइक नहीं पीछे स्टैंड पे लग रही है। लेट थे तो इसलिए बंगला मुखी मंदिर में हमने मत्था नहीं टेका था। अब भाई हमने कहा जाते हुए तो पक्का ही टेकना है यार यहाँ पे मत्था। ये भाई राइडर कहाँ से है, ये भाई नंबर प्लेट ही नहीं है, काली नंबर प्लेट है। हेलो भाई चेक करो, मंदिर में हमने मत्था टेक लिया, बंगला मुखी मंदिर भाई यार, ठीक है चेक मारो। और मेरी आँख भी लाल हो रही है यार, ये बोली पता नहीं कोई कीड़ा वगैरह आ गया था। लो भाई मत्था भी टेक लिया, हम निकल रहे हैं भाई यहाँ से। एक बंदा जो आगे चल रहा था भाई, वो उसको वो हमसे 25 किलोमीटर आगे पहुँच गया, वो पहाड़ों से भी उतर गया, वो पंजाब एंटर कर गया। हमें लगेंगे अभी 20 मिनट यहाँ से और। लो भाई अंधेरा होने लग गया और ऑलमोस्ट पहाड़ बस निकल चुके हैं, बस लास्ट के वो पहाड़ रह गया जो ये ख़त्म कर रहे हैं बस पहाड़ ना। तभी एकदम से ढलान आ गई है, जब पहाड़ ख़त्म होने वाले होते हैं तो ढलान एकदम से आती है। देखते देखते फिर बारिश आ गई भाई, अभी धूप निकली थी, फिर अंधेरा हुआ, फिर शाम हुई, फिर बारिश आ गई भाई। कितने वेदर चेंज हो रहे हैं यहाँ पे यार। ओ भाई साहब सामने देखो कितना प्यारा लग रहा है। राइड अपनी खत्म हो गई, और राइड की खत्म की वो देख रहे हो तुम, कितना खतरनाक लग रहा है भाई। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, सारे के सारे लाल वाला बटन दबा दो, और भाई वीडियो को भी लाइक कर दो भाई। भाई कितना खतरनाक लग रहा है यार भाई। दोबारा से बारिश भाई, आज पता कम से कम 10 बार बारिश रुकी होगी और उसके बाद 10 बार बारिश पड़ी होगी। तो भाई मैंने लवली को अब वहाँ से उठा के इधर कर लिया वाली बाइक से, क्योंकि हमें अब अलग अलग होना है। भाई फिर बारिश हो गई, अभी रुकी थी बारिश फिर बारिश हो गई। ये देखिए भाई साहब, गलती ऑफ रोडिंग। पीछे ना अंधेरे में ना बंदे की बाइक नहीं चल रही है, पता नहीं कोई दिक्कत हो गई है, और है भी इधर अंधेरा, कोई स्नैचिंग सुनिचिंग ना कर ले, बंदे की थोड़ी सी हेल्प कर देते यार। हम तो वैसे भी जल्दी में हैं, पर कोई नहीं भाई। भैया क्या हो गया, तेल खत्म हो गया। कहाँ पे पंप, पंप किधर है? पंप है नीचे।
चलो बैठो, कितनी दूर है, कितनी दूर है पंप? बैठो मैं पैर लगाता हूँ। ओके भैया, ध्यान से जाना। चलो भाई, भाई को छोड़ दिया पंप तक। भाई ये देखो, एक और नदी यहाँ क्रॉस करने के जाना पड़ रहा है, पुल टूटे हुए है। अभी हम पहुंचे बद्दी। भाई साहब समुंदर की लहरों को पार करके, ओ लो जी फाइनली पहुंच गए हैं घर। बड़े ही मुश्किलों के बाद मिलते हैं अगले ब्लॉग में भाई। तो सारा सामान रख दिया यहाँ पे, ये रख दिया जूते पहन के, अब सीधा काम पे।